हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल VBA ज्ञान, लर्न एक्सेल VBA पार्ट 13। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू शो डेटा इन लिस्ट बॉक्स इन एक्सेल VBA। चलिए हमारा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, शुरू से लेके अब तक लर्न एक्सेल VBA की सीरीज में हमने ये प्रोडक्शन सेल्स का एक डेटा एंट्री प्रोजेक्ट बनाया है। चलिए उसी प्रोजेक्ट में आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। डेवलपर टैब पे क्लिक करेंगे, विजुअल बेसिक पे चलेंगे। ये हमारा डेटा एंट्री फॉर्म है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर किस्सों में क्या होता है, जब हम कोई एक्सेल VBA में सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जो हमारी एक्सेल शीट होती है वो विजिबल नहीं होती है, हमारा सिर्फ यूज़र फॉर्म विजिबल होता है। तो जो हम डेटा एंट्री करेंगे, सेव करेंगे, अपडेट करेंगे, वो डेटा हमको देखना है कि वो डेटा अपडेट हुआ है या नहीं, या सेव हुआ है या नहीं। तो डेटा को दिखाने के लिए लिस्ट बॉक्स का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर शीट में डेटा शीट नाम की हमारी वर्कशीट है, जिसमें कॉलम ए से लेके कॉलम आई तक यानी कि 9 कॉलम का हमारा डेटा है, और जो हमारी डेटा रो है वो 6 नंबर से शुरू हो रही है। चलिए विजुअल बेसिक पे चलते हैं। अब लिस्ट बॉक्स को दिखाने के लिए हमें यूज़र फॉर्म में थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, यूज़र फॉर्म थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। आप चाहे ऐसे बड़ा करें या ऐसे, आपको लिस्ट बॉक्स जहाँ पर रखना है आप वहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ से लिस्ट बॉक्स लेंगे, क्लिक पकड़ के रखेंगे और जितना बड़ा आपको बनाना है वहाँ लाके छोड़ देंगे। अब ये जो डेटा शीट वाला डेटा है पूरा, वो मुझे इसमें दिखाना है, तो उसके लिए दो मेथड हैं। पहला वाला मेथड है जिसमें हम जो लिस्ट बॉक्स होता है उसका हेडर हम तय करेंगे और हम लिखेंगे कि जो पहली कॉलम है वो कौन सी है, दूसरी कॉलम है वो कौन सी है, इस तरह से सबका हेडर हम लिखेंगे। और जो दूसरी मेथड है वो रो सोर्स की मेथड है, जिसमें ये जो डेटा है उसकी एक रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे और उस रेंज को हम डायरेक्टली इसमें दिखा देंगे। तो सबसे पहले पहली वाली मेथड जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। उसके लिए यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज पे क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी खाली जगह वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे आ जाएंगे, पहले कमेंट लिखते हैं, राइट लिस्ट बॉक्स हेडर, एंटर करेंगे। यहां पर लिखेंगे विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, एंटर करेंगे। यहां पर हमारे जो लिस्ट बॉक्स है उसमें जो डेटा दिखाई देगा उसकी फॉन्ट साइज, जो 9 कॉलम है उनकी विड्थ, सभी हमको यहां पर दिखानी है। तो सबसे पहले लिखेंगे डॉट कॉलम काउंट इज इक्वल टू 9, हमारी कॉलम 9 है। डॉट फॉन्ट साइज, फॉन्ट डॉट साइज इज इक्वल टू 12 रखेंगे। डॉट कॉलम विड्थ, कौन कौन सी कॉलम कितने विड्थ की होगी, पहली कॉलम हम लेते हैं 78 की, दूसरी 72 की, तीसरी 72 की, जैसे कॉमा करते जाना है 72 कॉमा 72। अब यहां पर फिर से 78 78 78 और 78, सॉरी
इसको हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिस्ट बॉक्स होता है उसमें जो पहला कॉलम होता है उसकी गिनती जीरो से शुरू होती है, और जो रो होता है मतलब हेडर रो, वो भी जीरो से गिनती शुरू करते हैं। तो हमें आइटम ऐड करना है, तो लिखेंगे डॉट ऐड आइटम, स्पेस लगाएंगे और लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डेट, एंटर करेंगे। फिर ये जो कॉलम आ गई वो जीरो नंबर वाली कॉलम आई है। अब लिखेंगे डॉट लिस्ट, ब्रैकेट ओपन। अब रो कौन सी होगी, तो पहली रो यानी कि जीरो नंबर वाली, और पहली कॉलम क्योंकि जीरो कॉलम में हमने डेट लिख दिया है, तो कॉमा वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो हमारा पहला है प्रोडक्शन बैग, तो हम लिखेंगे पी आर ओ डी डॉट बी ए जी एस बैग्स, एंटर करेंगे। दूसरा लिखेंगे डॉट लिस्ट, ब्रैकेट ओपन, हेडर के लिए जीरो नंबर की रो, दूसरी कॉलम इज इक्वल टू प्रोडक्शन मैट्रिक टन। इस तरह से हमें सभी हेडर लिख लेने हैं। ये हमने लिख लिया है, और विथ लिस्ट बॉक्स वन लिया था तो उसको एंड विथ भी हमने कर दिया है। चलिए एक बार इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने हेडर डाले वो आ गए हैं। क्लोज करते हैं, फिर से कोडिंग पे चलते हैं। अब जो डेटा है उसको हमें दिखाना है, उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, डिम आई एज इंटेजर, और आई क्या होगा, फॉर आई इज इक्वल टू 6 टू लास्ट रो। अब लास्ट रो है तो लास्ट रो हमने डिफाइन नहीं किया है, तो अप एरो दबाएंगे और यहां पर लिखेंगे डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, लास्ट रो डिफाइन करेंगे, लास्ट रो इज इक्वल टू शीट्स डेटा शीट डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ये हमने लास्ट रो डिफाइन कर लिया है, 6 नंबर की रो से लेके लास्ट रो तक। अब फिर से हमें लिखना है विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन, और एंड विथ करेंगे, एंड विथ, और जो हमने फॉर का लूप लिया है तो उसके लिए लूप लगाएंगे नेक्स्ट आई का। अब इसके बीच में हम कोड लिखेंगे। मैंने आगे भी बताया कि लिस्ट बॉक्स में पहली जो कॉलम होती है वो जीरो नंबर की होती है, तो उसमें जब हमें डेटा दिखाना होता है तो सिर्फ हमें लिखना होता है डॉट एड आइटम। अब इसमें क्या दिखाएंगे, हमें डेट दिखानी है, हमारी पहली कॉलम है डेट शीट में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिस फॉर्मेट में हमें डेट दिखानी है उस फॉर्मेट में हम लिखेंगे फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन शीट्स डेटा डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन, रो कौन सी होगी आई कॉमा, और डेटा शीट की जो कॉलम है उसका नंबर क्या है एक, डॉट वैल्यू कॉमा, किस फॉर्मेट में हमें दिखानी है डी डी एम एम वाई 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 वाई, ब्रैकेट बंद, एंटर।
अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आएगा डॉट लिस्ट ब्रैकेट ओपन लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट काउंट माइनस वन कॉमा, और उसमें कौन सी कॉलम, तो पहली कॉलम लिस्ट बॉक्स की पहली कॉलम ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू शीट्स डेटा डॉट सेल्स और यहां पर कौन सी रो आएगी आई वाली और कॉलम कौन सी आएगी दो डॉट वैल्यू। आपको सभी कॉलम के लिए इस तरह का डेटा लिखना है। यहाँ पर लिस्ट काउंट माइनस वन सभी के लिए रहेगा, सिर्फ कॉलम नंबर बदलेगा यहाँ और यहाँ भी कॉलम नंबर चेंज होगा। चलिए फटाफट लिख देते हैं, ये हमने डेटा लिख दिया है तो ये हमारा कोड पूरा हो चुका है। चलिए यूज़र फॉर्म रन करते हैं। देखिए यहाँ पर सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सेव करते हैं। तो ये हो गई पहली मेथड। अब उस कोड को हम कमेंट ब्लॉक कर देते हैं, ये जो पूरा है कोड उसको कमेंट ब्लॉक कर देते हैं। चलिए अब दूसरा मेथड है रो सोर्स का, जो यहाँ पर डेटा है उसकी एक रेंज ले लेंगे और उसको डायरेक्ट रो सोर्स में यहाँ पर दिखा देंगे। चलिए वो बहुत ही शॉर्ट मेथड है। इस मेथड में हमें सिर्फ ये वाला कोड चाहिए, लास्ट रो वाला, तो उसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पर हमारा कोड लिखते हैं विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन, एंटर करेंगे, एंड विथ करेंगे और इन दोनों के बीच में हमारा दो तीन लाइन का कोड लिख देंगे। यहाँ पर ये जो हमने आगे लिखा था कॉलम काउंट फॉन्ट साइज और कॉलम विड्थ, ये तीनों यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करके अनकमेंट कर देते हैं। अब जो रो सोर्स है उसके लिए हम लिखेंगे डॉट रो सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमारी शीट का नाम लिखेंगे डेटा, फिर लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और जहाँ से डेटा हमारा शुरू हो रहा है वो हम लिखेंगे A6, तो लिखेंगे A6 से लेके I, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड लास्ट रो। अब इससे पहले हमें एक काम और करना है, यहाँ पर जो कॉलम हेड है उसको ट्रू करना है, कॉलम हेड्स इज इक्वल टू ट्रू, हमें कॉलम हेड दिखाना है। कहाँ से दिखाना है, 5 नंबर की रो से, और जो हमारा डेटा है वो 6 नंबर की रो से शुरू हो रहा है, बस इतना काम हमें करना है। चलिए यूज़र फॉर्म रन करते हैं। देखिए आपका डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है विथ हेडर। तो जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही आसान और बहुत ही कम शब्दों में आपके डेटा को दिखाएगा। अब इन दोनों के बीच फर्क क्या है वो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में इन दोनों के बीच का फर्क भी दिखाएंगे और इनके रिलेटेड एक दो बातें जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।